हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं ओपन वेल की वाइंडिंग कैसे होती है। तो इसके लिए आपको पहले सब क्वाइल हम लोग बना चुके हैं, आपको दिखा रहे हैं क्वाइल बनाना, हम आप लोग को अभी बताएंगे। इस प्रकार से क्वाइल बनाया जाता है, 1 से 8 पैसे का, 1 से 10, 1 से 12, 3 क्वाइल रहेगा रनिंग में और स्टार्टिंग में भी 3 क्वाइल। इस प्रकार इसे बनाकर निकाल लेंगे, फिर आपको हम डालना बता रहे हैं इसे। ये जो आप अभी देख रहे हैं रनिंग का क्वाइल है, 3 के सेट में है, मतलब 3 क्वाइल है ये, 1 से 8 डलेगा। अभी आप लोग को इसे हम लोग डाल कर दिखाएंगे। इस प्रकार पहले 1 स्लॉट में किसी भी क्वाइल को डाल लेंगे, उसके बाद 6 स्लॉट छोड़कर दूसरे साइड को भी डालना रहता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कैसे डाला जाता है इसे। इसको वाइंडिंग करना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही ढीला होता है, इसे आराम से डाला जा सकता है क्वाइल। इस प्रकार हमारा एक साइड था जो क्वाइल का, वो कंप्लीट डल चुका है। ये लकड़ी का स्टिक है जिसे वाइंडिंग में पैकिंग के लिए डाला जाता है। जैसे हम लोग साधारण मोटर में पैकिंग के लिए पीवीसी पेपर डालते हैं 5-7, उसी प्रकार इसके ऊपर हम लोग ये लकड़ी का स्टिक है उसे डालते हैं। कैसे डाला जाता है उसे हम अभी आप लोग को दिखा रहे हैं। पहले पेपर डालेंगे, उसके ऊपर इस प्रकार स्टिक को डाला जाता है ताकि हमारा जो क्वाइल है वो बाहर ना आए। आप चाहो तो इसमें बिना पेपर डाले आप डायरेक्ट स्टिक को डाल सकते हो, हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारा जो क्वाइल है वो डालते समय रगड़ाए नहीं है, और ज़्यादा अच्छा है। आप चाहो तो बिना पेपर डाले डायरेक्ट स्टिक को भी डाल सकते हैं। इस प्रकार एक साइड क्वाइल को डालकर गिन कर 6 स्लॉट छोड़कर, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 6 स्लॉट छोड़कर फिर से इसे डालेंगे, क्योंकि हमारा जो क्वाइल है वो 1 से 8 मतलब 6 स्लॉट छोड़कर डालना रहता है। इस प्रकार दोनों साइड के डाल लेंगे और इसके बीच 6 स्लॉट छोड़ता है, क्योंकि हमारा वाइंडिंग पिच जो है 1 से 8, 10 और 12 है। इस प्रकार पेपर डालेंगे, आप पेपर नहीं डालोगे तो भी चलेगा। इस प्रकार हम लोग जो क्वाइल डाले हों इस प्रकार इसे हाथ से सेट कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अभी और क्वाइल डालना है, जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक इस प्रकार सेट कर लेना रहता है, क्योंकि अभी इसके ऊपर और क्वाइल डालना है, फिर स्टार्टिंग क्वाइल डालना है। इस प्रकार हम लोग दूसरा क्वाइल डालेंगे, ये 1 से 10 है। इस प्रकार इसे डाल लेंगे। इसका वाइंडिंग करना बहुत ही आसान होता है, आप से आधे घंटे में पूरा क्वाइल को उसे डाल सकते हैं बनाकर। इसका क्वाइल बनाना भी हम आप लोग को दिखाएंगे। इस प्रकार दूसरे साइड से भी डाल लेंगे हम लोग क्वाइल को, इस प्रकार बारी बारी डालेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो वाइंडिंग है वो क्वाइल का जो ऊपर का पीवीसी है वो छिलाए नहीं, अगर ये ख़राब हो गया तो हमारा वाइंडिंग जो है ख़राब हो जाएगा और करंट आने लगेगा। इस प्रकार हमारा जो 2 क्वाइल था वो कंप्लीट हो चुका है। और हमारा जम्फर जो है इस किनारे से हमेशा इस किनारे में आता है, गोली घूमता है, यहाँ से यहाँ आएगा, इसी प्रकार डलता है। तो आप और हम आपको आगे दिखा रहे हैं कैसे बनता है। इस प्रकार जो है क्वाइल को घुमाया जाता है, हमेशा सीध में ही घुमाया जाता है, जम्फर जो हमारा यहाँ से यहाँ आता है। इस प्रकार हम लोग हमारा रनिंग का जो लास्ट क्वाइल है उसे भी डाल चुके हैं, इसके ऊपर हम लोग अब पैकिंग डालेंगे। आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट जो ये लकड़ी का स्टिक है इसे डाल सकते हैं हम लोग। इस प्रकार हम लोग इसे कंप्लीट डाल लेते हैं स्टिक को। इस प्रकार हमारा जो जम्फर है वो यहाँ से यहाँ आता है, हमेशा ऐसे ही सीध में घूमता है, जो तीनों क्वाइल के यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे ही आता है। तो ठीक है, आपको और आगे बता रहे हैं, वीडियो में बने रहे आप। इस प्रकार दूसरे साइड से भी हम लोग क्वाइल को डाल लेंगे, और यह ध्यान रखना रहता है कि हमारा क्वाइल जो है छिले नहीं, क्योंकि यदि हमारा क्वाइल छिल गया तो हम जो वाइंडिंग किए हैं वो कोई काम का नहीं रहेगा, फिर से हमें दोबारा करना पड़ेगा, इसलिए इसका खास ध्यान रखना रहता है। इस प्रकार हमारा जो रनिंग का एक क्वाइल था उसे हम लोग डाल चुके हैं, और एक हमारा ये लीड रहा और एक हमारा ये वायर है, दोनों कंप्लीट हो चुका है। आप लोग को क्वाइल बनाना भी बताएंगे अभी हम लोग। इस प्रकार जो है क्वाइल को बनाया जाता है। यदि आपके पास मशीन नहीं है तो आप लोग हाथ से भी बना सकते हैं।
ये हम लोग जो अभी रनिंग क्वाइल डाले हैं, हमारा इनर वायर है और ये हमारा आउटर वायर है। ठीक इसी प्रकार दूसरे साइड भी क्वाइल डलेगा जिसमें एक इनर और एक आउटर वायर रहेगा। फिर आप लोग को इसका कनेक्शन करना भी हम लोग कंप्लीट बताएंगे। इस प्रकार हमारा जो रनिंग का दूसरा क्वाइल था वो भी कंप्लीट हो चुका है और इसमें हमें गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें ऑटोमेटिक काउंट मशीन है जो काउंट कर लेता है। अब हम आप लोग को जो हमारा रनिंग क्वाइल का दूसरा सेट आपको डालना बता रहे हैं। इसके लिए आपको जो हमारा एक क्वाइल है उसके तीसरे स्लॉट से यहाँ से एक दो तीन यहाँ से डालना शुरू करेंगे और इस साइड से भी गिन कर एक दो तीन यहाँ पर डलेगा। फिर हमारा जो छः स्लॉट है बीच में छूटेगा। ठीक है, आप लोग देखेंगे अभी कैसे डलेगा वो। इस प्रकार इसे धीरे से डाल लेंगे ताकि हमारा क्वाइल जो हो छिले नहीं। फिर इसके ऊपर स्टिक डाल देंगे धीरे से। इस प्रकार स्टिक हम लोग डाल लेंगे धीरे से। ये इसमें आसानी से डाला जा सकता है क्योंकि हमारा जो ये बहुत ही ढीला होता है, आसानी से डाला जा सकता है। क्वाइल डालने में कोई दिक्कत नहीं जाती। दूसरे साइड से भी हमारा जो बड़ा क्वाइल है ऊपर साइड से यहाँ से एक दो तीन स्लॉट छोड़कर यहाँ से डालना रहेगा ताकि हमारा बीच में जो छः स्लॉट वो छूट पाए। इसके बीच हमारा स्टार्टिंग क्वाइल जो है डलता है, इस बात का खास ध्यान रखना रहता है ताकि हमारा क्वाइल जो है गड़बड़ाए नहीं इधर उधर। इस प्रकार इसे डाला जाता है। इस प्रकार हमारा जो एक क्वाइल था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके भी इसके ऊपर आप लोग फिर से जो लकड़ी का स्टिक है उसे डाल लेंगे। इस प्रकार आप लोग इसमें स्टिक जो है डाल सकते हैं। यदि आपको टाइट लगे तो आप धीरे से उस साइड से ठोक सकते हैं। इस प्रकार स्टिक को डालने के बाद इसे इस प्रकार तोड़ लेंगे, एक्स्ट्रा जो बचेगा उसे। ठीक इसी प्रकार इस प्रकार हम लोग दो क्वाइल डाल चुके हैं। हमेशा आप लोग को बताया कि हमारा क्वाइल जो इधर से इधर घूमता है, हमारा जम्पर यहाँ से यहाँ आएगा, तो आप लोग को और भी डाल कर बता रहे हैं। इस प्रकार इसे डाला जाता है धीरे से। हमारा क्वाइल जो है छिलना नहीं चाहिए, एक एक करके ही डाला जाता है। एक साथ डालेंगे तो क्या होगा ना, हमारा क्वाइल जो है छिल जाएगा। इस कारण से धीरे धीरे करके इसे डाला जाता है। इस प्रकार कंप्लीट हुआ हमारा। जैसे कि हम आप लोग को बताए थे कि हमारा जम्पर जो है हमेशा यहाँ से यहाँ आता है, इसमें ही गलती नहीं करनी है। अगर यह हमारा गलत हुआ तो हमारा वाइंडिंग जो है बहुत जल्द ही ख़राब हो जाएगा या चलेगा ही नहीं, तो इसका हमेशा खास ध्यान रखना रहता है। फिर इसके बाद हम लोग आप इसको कनेक्शन करना भी बताएंगे। इस प्रकार आप अगर चाहो तो इसके ऊपर पेपर भी डाल सकते हो। पेपर के ऊपर हम लोग स्टिक डाल रहे हैं, आप लोग बिना पेपर डाले भी स्टिक को डाल सकते हैं। इस प्रकार आप लोग क्वाइल को अलग अलग बांध भी सकते हैं ताकि इधर उधर फैले नहीं है। ये जो यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक की रस्सी, हमेशा इसी से बांधा जाता है। और हम लोग जो सूजे का उपयोग कर रहे हैं इसके किनारे पे हमेशा इस प्रकार टेप लगा लेना चाहिए ताकि हमारा क्वाइल जो है छिले नहीं अगर हम लोग सीर रहे हैं तो। इसे ये हमारा रनिंग का दो क्वाइल कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा इनर वायर है, आउटर वायर है, ये भी इनर है, ये आउटर। इस प्रकार हमारा जो लीड रहता है हमेशा किनारे किनारे में ही रहता है, इस प्रकार आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आपको स्टार्टिंग का क्वाइल डालना बता रहे हैं। इस प्रकार स्टार्टिंग का भी हम लोग डालेंगे। ये भी हमारा इसका जो पिच है 1 से 8 है, 1 से
10 और 1 से 12 है, जैसे रनिंग का है ठीक उसी प्रकार स्टार्टिंग का भी है। ये जो हम यूज़ कर रहे हैं 5 नंबर पेपर है, इसके लिए अलग से कटिंग पेपर भी आता है, आप चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अलग से जो पीवीसी पेपर है 5 नंबर उसी का उपयोग कर रहे हैं। चलो इस प्रकार हमारा स्टार्टिंग का भी एक क्वाइल लग चुका है, दूसरा क्वाइल भी आप लोग को डालकर दिखा रहे हैं। इस प्रकार इसे डाला जाता है। अब इसके ऊपर हम लोग स्टिक डाल लेंगे। इस प्रकार हम लोग दो कॉइल डाल चुके हैं, इसके ऊपर स्टिक इस प्रकार से डाला जाता है, जो एक्स्ट्रा रहता है उसे तोड़ दिया जाता है। डालने के बाद इस प्रकार से कॉइल को सेट किया जाता है, हाथों से इसे दबा दिया जाता है। इस प्रकार दोनों साइड से कॉइल को अच्छी तरह से दबा लेंगे। जैसे कि आप लोग को हम लोग पहले ही बताया था कि हमारा जो जम्पर रहता है, मतलब कॉइल हमेशा सीधा ही घूमता है, यहाँ से यहाँ आता है, उल्टा नहीं होता है, जैसे रनिंग का रहता है उसी प्रकार स्टार्टिंग का भी रहता है, इसका खास ध्यान रखना रहता है हमें। इस प्रकार इसे डाला जाता है, इस प्रकार स्टिक को डाला जाता है और जो एक्स्ट्रा रहता है उसे तोड़ दिया जाता है ठीक इसी प्रकार, और लोग इस साइड से भी अब डाल लेंगे। ये हमारा स्टार्टिंग का जो एक कॉइल है लगभग कंप्लीट होने के हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की और वीडियोस हमारी चैनल पर आते हैं और इस प्रकार की बहुत सारी वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और यदि आपको जो कुछ भी समझ में आया उसे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। जैसे कि आप देखते हैं इसी प्रकार सफाई से डाला जाता है, क्योंकि ये वायर छीलना नहीं चाहिए, छील जाएगा तो हमारा वाइंडिंग जो है ख़राब हो जाता है, इस कारण धीरे से ही डाला जाता है इसे। इस प्रकार हमारा स्टार्टिंग का जो एक क्वाइल था वो कंप्लीट हुआ है। इस प्रकार आप देखेंगे इसे इस प्रकार डाला जाता है, सफाई से हमारा क्वाइल जो छीलना नहीं चाहिए। इसमें एक क्वाइल अभी डालना और बाकी आप देख सकते हैं इसे एकदम बारीकी से। इस प्रकार हमारा जो रनिंग का दो क्वाइल है, एक सामने आमने सामने है, ये दोनों डल चुका है, और स्टार्टिंग का हमारा ये इससे भी दो वायर ही निकला है, ये आउटर वायर है, ये इनर वायर है, और इससे 3 लीड कैसे निकाला जाता है, इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, इसका कंप्लीट हम आपको अभी बताएंगे, तो आप वीडियो स्किप मत करिएगा, अभी पूरा आपको जानकारी मिलेगा, इसे 3 लीड कैसे निकाला जाता है, कनेक्शन कैसे किया जाता है, कंप्लीट आपको बताएंगे। और जो भी यहाँ पे बचा है इसके बीच में अभी स्टार्टिंग कॉइल डलेगा, इसमें 2-3 स्लॉट इधर छूटा है, 3 स्लॉट इधर छूटा है, इसमें हमारा स्टार्टिंग कॉइल बैठेगा। आप लोग के एक बार और दिखा देते हैं कि क्वाइल कैसे बनाया जाता है। ये हमारा फर्मा है, जो अलग अलग इंच का इसमें कुछ इंच का गैप रहता है, ये मार्केट में मिल जाता है। इस प्रकार क्वाइल को बनाया जाता है। यदि आपके पास मशीन नहीं है तो आप लोग हाथ से भी बना सकते हैं इसे। हम आप लोग को क्वाइल के बारे में बता रहे थे, ये इसमें 1.5 इंच का गैप रहता है, और जो लास्ट वाला खांचा है इसमें 2 इंच का गैप रहता है, इसमें 1.5 1.5 1.5 इसमें 2 इंच का गैप रहता है, और इसमें गिनने की ज़रूरत नहीं रहता, इसमें मीटर लगा रहता है जो ऑटोमेटिक ये काउंट कर लेता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं इसमें गिनने की ज़रूरत नहीं रहता है। तो आप लोग को हम लोग स्टार्टिंग का भी जो लास्ट कॉइल बचा है उसे भी डालकर दिखाएंगे। इस प्रकार हम लोग स्टार्टिंग का भी डालना शुरू कर देते हैं, जो हमारा इस साइड 3 स्लॉट बचा था, इस साइड 3 स्लॉट मतलब 6 स्लॉट छोड़कर उसे भी डालेंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं फिर इसके ऊपर हम लोग स्टिक डाल देंगे।
इस प्रकार स्टार्टिंग का एक कॉइल डाल लेने के बाद उसे इस प्रकार सेट कर लेंगे, फिर दूसरा कॉइल इस प्रकार डालेंगे इसे। इस प्रकार हम लोग दूसरे कॉइल का दूसरे साइड को भी डाल लेंगे। डालते समय यह ध्यान रखना रहता है कि हमारा कॉइल जो है छिले नहीं, उससे क्या होगा हमारा वाइंडिंग जो ख़राब हो जाएगा, इस कारण से इसे धीरे से डालना रहता है, कॉइल ख़राब ना हो। इस प्रकार हम लोग बारी बारी करके एक एक कॉइल को डाल लेंगे। उसके ऊपर जो लकड़ी का स्टिक है उसे भी डालना रहता है ताकि हमारा कॉइल जो है हिले डुले नहीं, टाइट रहे वो, क्योंकि हाई स्पीड मोटर है 2900 RPM की। इस प्रकार दूसरे साइड से भी कॉइल को डाल लेंगे। ये हमारा स्टार्टिंग का लास्ट कॉइल है। इस प्रकार हमारा जो कॉइल डालने का काम थोड़ा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको हम लीड निकालना बताएंगे। लीड निकालने से पहले हमारा जो ये वाला पार्ट है लीड के जस्ट पीछे वाला, इसको हम लोग आपको बांध कर इस प्रकार वायर को छील लेंगे। हमारा क्या है, रनिंग में एक कॉइल में ज्वाइंट हो गया था, तो इस प्रकार इसे छील लेंगे, फिर हम लोग इसे ज्वाइन करेंगे। इसमें ज्वाइन कैसे किया जाता है, कच्चा रबड़ का इसमें यूज़ किया जाता है, आप लोग को बताएंगे कि कच्चा रबड़ को लगाया कैसे जाता है। इस प्रकार इसे अच्छे से ज्वाइन कर लेंगे। इस प्रकार जो है इसे अच्छे से ज्वाइन कर लेंगे, फिर इसे हम लोग सॉल्डरिंग भी करेंगे। ये बहुत ही अच्छा होता है, इससे क्या है हमारे जो ज्वाइंट है इसमें कार्बन नहीं आएगा और वाइंडिंग जो है लंबे समय तक चलेगा। तो इसे हम लोग इस प्रकार सॉल्डरिंग कर लेंगे, आपको दिखा रहे हैं। इस प्रकार अच्छे से सॉल्डरिंग कर लेंगे इसे। पहले इसमें हम लोग इसमें जो नॉर्मल टेप, बिजली टेप यूज़ करते हैं उसे चिपका लेंगे, लगा लेंगे। फिर इसके बाद इसमें कच्चा रबड़ है उसे भी आपको लगाना बता रहे हैं कि कैसे लगाया जाता है, जिससे हमारा कॉइल जो है इस प्रकार कच्चा रबड़ है। ये जो आप देख रहे हो ये कच्चा रबड़ है, इसे इस प्रकार अच्छे से लगाया जाता है ताकि हमारा जो वाइंडिंग है वो उसमें करंट ना आए, पानी में ये कनेक्ट ना हो पाए, क्योंकि ये हमारा ज्वाइंट हो गया था एक रनिंग कॉइल में। इस प्रकार फिर इसे हम लोग रस्सी से बांधेंगे, प्लास्टिक का है। इस प्रकार इसे पहले अच्छी तरह से स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल को बांध देंगे एक में, पूरा इसे गोल बांधेंगे राउंड चारों तरफ को। इस प्रकार आपको ना बने तो आप इसे डंडे की सहायता से जगह बनाकर बांध सकते हैं। इस प्रकार इसे अच्छे से इस प्रकार बांधा जाता है, आप देख सकते हैं। फिर आप इस साइड हम लोग लीड निकाल कर आपको बताएंगे। इस प्रकार इसे ज्वाइंट किया जाता है। जो जंपर है उसको हम आपको लास्ट में बताएंगे कि जंपर हमारा कैसे जोड़ा जाता है, पहले आप ज्वाइंट किए कर रहे हैं उसे आप देख लो। इस तरह से इसे ज्वाइंट किया जाता है, फिर जो एक्स्ट्रा बार है उसे काट देंगे। फिर इसे हम लोग सॉल्डरिंग कर लेंगे। सॉल्डरिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे क्या है हमारा वाइंडिंग जो है बहुत ही लंबे समय तक चलेगा। जितना भी हम लोग जम्फर देंगे जहाँ जहाँ पर ज्वाइंट होगा वहाँ सॉल्डरिंग बहुत ज़रूरी होता है। इस प्रकार पहले इसमें टेप लगा देंगे, फिर इसके ऊपर कच्चा रबड़ लगाएंगे।
अभी हम आप लोग को कच्चा रबड़ लगाना बता रहे हैं। इस प्रकार इसे लगाया जाता है। ये जहाँ जहाँ पर जॉइंट आता है वहाँ लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो हम लोग कच्चा रबड़ लगाए थे उसके ऊपर फिर से हम लोग बिजली टेप चिपका देंगे। पहले हम लोग टेप चिपकाए थे नॉर्मल बिजली टेप, फिर कच्चा रबड़, फिर उसके ऊपर फिर से हम लोग बिजली टेप लगा रहे हैं। इस प्रकार इसे ज्वाइन किया जाता है। ये हमारा जो जम्फर कनेक्शन का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। और हम लोग आपको बता देते हैं कि ये ज्वाइंट कैसे होता है। जैसे कि हमारा इनर वायर है रनिंग का, ये भी इनर वायर है, और जो आउटर वायर है इसे जोड़ा जाता है। ये हमारा रनिंग का आउटर वायर है, ये भी आउटर वायर है, दोनों को ज्वाइन किया जाता है। और स्टार्टिंग का भी आप देख रहे हो, ये हमारा इनर वायर है, ये भी इनर है, और जो आउटर वायर जो बाहर की ओर रहता है इस दोनों को ज्वाइन किया जाता है। ये हमारा आउटर वायर है इस कॉइल का, और ये हमारा आउटर वायर है, इसे भी ज्वाइन किया जाता है। इस प्रकार से ज्वाइन किया जाता है। और जो चार वायर बचता है, ये हमारा लीड है, इसे चार से तीन कैसे किया जाता है वो भी हम आपको अभी बताएंगे। एक बार और आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए, हमेशा जो आउटर वायर को ही जोड़ा जाता है। इस प्रकार ये हमारा स्टार्टिंग का रहा है, यहाँ से यहाँ जुड़ेगा, और रनिंग का भी जो आप देख रहे हो इस किनारे का आउटर वायर जोड़ा जाता है। जो इनर वायर रहता है ये वाला, और ये वाला ये हमारा मेन लीड है। जैसे कि आपको हम लोग बता रहे थे कि इसमें से तीन वायर कैसे निकाला जाता है, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारा ये रनिंग है, ये भी रनिंग है, और ये स्टार्टिंग का कॉइल स्टार्टिंग का वायर है स्टार्टिंग का, तो एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का ज्वाइन किया जाता है। ये दोनों को एक करके इसे कामन बनाया जाता है। ये हमारा कामन पॉइंट हुआ, जो हमारा रनिंग से वायर निकले है रनिंग है, और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कंडेंसर वाला। तो यदि आपको ये हमारा रोटेशन जो है सीधा, अगर आपको रोटेशन उल्टा इसी को करना है, तो हमारा रनिंग वायर इसे आप पलटी मार देंगे, ठीक है। इस प्रकार इसे ज्वाइंट किया जाता है अच्छे से। जो अभी हम निकाल रहे हैं, हमारा जो ब्लैक का है वो कामन पॉइंट है, और जो अभी ज्वाइंट कर रहे हैं वो स्टार्टिंग के लिए हैं, और जो अभी रेड वाला है वो रनिंग है हमारा। इस प्रकार पहले वायर को अच्छे से लपेट लेंगे, फिर इसके ऊपर इसे ऐसे राउंड राउंड करके ज्वाइन किया जाता है। इस प्रकार जो एक्स्ट्रा वायर बचेगा उसे काट देंगे। और इसे सॉल्डरिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे हमारा वाइंडिंग है बहुत ही लंबे समय तक चलता है। सॉल्डरिंग करने के पहले इसे में हम लोग सॉल्डरिंग पेस्ट लगा लेंगे इस प्रकार। ये जो हम अभी लगा रहे हैं ये कच्चा रबड़ है, इसे इस प्रकार लगाया जाता है कि इसके अंदर जो है लीड में पानी ना पहुंच पाए, अच्छी तरह से लगाया जाता है। इसी प्रकार हमारा दो लीड है उसमें भी लगा लेंगे बारी बारी से। इस प्रकार हम लोग जो लीड को ज्वाइन किए थे अच्छे से इस प्रकार सेट करके उसे बांधते जाएंगे। इस प्रकार हमारा जो लीड निकालने का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार आप भी बांध सकते हैं सफाई से, लीड को अच्छी तरह से बांधा रहता है ताकि हमारा जो ये लीड है ये बाहर की ओर झिकाए नहीं, वायर है ये झिकाना नहीं चाहिए, इस कारण से अच्छी तरह से इसे बांधना रहता है इस प्रकार। और ऐसे ही सफाई से बनाना रहता है, आप देख सकते हैं इसे, और आप इसे अब फिट कर सकते हैं चेक करके। चेक करना तो आप सभी को आता ही होगा।